हेलो एवरीवन, दिस इज अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड टूरिस्ट यूट्यूब चैनल। और आज हम मौजूद हैं दरियाए सतलुज पे। आप सबने सुना है कि इंडिया की तरफ से पानी छोड़ दिया गया बड़ी वाफर मकदार में, जिसकी वजह से हमारे दरियाओं में तोगयानी आ चुकी है, सैलाब का खतरा बढ़ चुका है। आज वही जगह का नज़ारा करवाने के लिए आपको मौजूद हैं। इस वक्त मैं एक बोट में मौजूद हूँ जो रेस्क्यू 1122 की है। आप देख सकते हैं कि मैंने ये जैकेट भी उनकी पहनी हुई है जो उन्होंने मुझे कहा है कि एमरजेंसी सिचुएशन में आप पहन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप गिर गए तो ये आपकी सेफ्टी करेगी। बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा सा भैया आगे आ जाएँ। तो ये वो रेस्क्यू की टू बोट है जिसके जरिए यहाँ पर कोई भी अगर लोग खतरे में हैं तो उनको बचाने के लिए उन्होंने रखी हुई है। ये पीछे का इन्वायरमेंट ज़रा दिखाई, ये सारा जो आपको नज़र आ रही है दरिया नहीं है जी नाज़रीन, ये असल में दरिया इसके आगे हैं। वो बिल्कुल पार जहाँ पे आपको बाउंड्री से नज़र आ रही है, वहाँ पे जो दरख्त हैं आगे, कुछ एक दो घर भी नज़र आ रहे हैं। दरिया वहाँ था, ये सारी ज़मीन थी जहाँ पे खेती बाड़ी की जाती थी, जहाँ पे फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पे लोगों से जब हमने पूछा तो वो बता रहे थे कि यहाँ पे उन्होंने मकई वगैरह उगाई हुई थी। तकरीबन वो 5-5, 6-6 फुट की हो चुकी थी, जो पानी के अंदर बिल्कुल जो है वो जा चुकी है, पानी के नीचे दब चुकी है, पानी उसके ऊपर आ चुका है, ज़रा भी नज़र नहीं आ सकती। आप बिल्कुल अगर ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे कोई निशान नहीं नजर आएगा, आप यही समझेंगे यहाँ पे बिल्कुल दरिया है। लेकिन पानी के अंदर मौजूद जो यहाँ पे पौधे वगैरह फिर रहे हैं वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ हुआ और बहुत ख़तरनाक हुआ है। असल में बहुत ही ज़्यादा जो है वो मसले वाला काम हो गया। तो ये मैं दिखाता हूँ, ये पता नहीं कौन सा नाला है, मैंने बांध तो लिया लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा। आ जाए जी, मैं हल्का सा आपको आगे जाके एक विज़िट करवाना चाहता हूँ, एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो पहली बार देखी। इस तरह की चीज़ मैंने कभी नहीं देखी, पानी का इतना लेवल, पानी की इतनी स्पीड कभी नहीं देखी गई। और साथ में एक मज़े की चीज़, आइए जी आपको दिखाते हैं, मेरे पीछे आ जाइए, आ जाए जी नाज़रीन। ये देख सकते हैं ये जो सड़क थी ना, ये बिल्कुल आगे बिल्कुल जा रही थी। ज़रा कैमरामैन साहब इसको जूम करके दिखाइए, आगे आपको दरख्त नजर आ रहे हैं। असल में आगे आबादी है, पूरे लोगों के घर मौजूद हैं, रिहायशें मौजूद हैं, लोग रह रहे थे अपनी, अभी भी वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। ये सड़क बिल्कुल वहाँ पे जा रही थी उनको लेके, लेकिन सैलाब की वजह से जब पानी बहुत ज़्यादा आया तो नीचे से, जैसे कि आप भी जानते हैं, मिट्टी थी, मिट्टी और पानी का आपस में कम्बिनेशन हुआ, मिट्टी ने जो है वो सड़क को गिरा दी। ये देखें अभी भी सड़क गिरी हुई आपको नज़र आ रही है। और यहाँ पर जो रेस्क्यू वाले, उन्होंने हमें मुकम्मल आगे जाने से मना किया, उन्होंने कहा अभी भी सड़क जो है वो खतरे में। यहाँ पर अभी भी ये चीर वगैरह मौजूद हैं जो बता रही है कि सड़क अभी भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, मुकम्मल सड़क तबाह हो चुकी है। अभी इन लोगों ने मुतबादल एक रास्ता इख्तियार किया जो इसकी बैक साइड से जा रहा है, उन लोगों को जो है वो सहूलियात फराहम करने के लिए, उनका सामान वगैरह ले जाने के लिए, और उन लोगों को जो है वो खतरे से बचाने के लिए इस तरफ लेके आ रहे हैं। रेस्क्यू की टीम अभी भी यहाँ पे मौजूद है, उनकी बोट्स वगैरह भी मौजूद हैं। हम उनका बड़ा शुक्रिया भी अदा करते हैं, उन्होंने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया है। वो यहाँ पर कैंप लगा के बैठे हुए हैं, आप कैंप भी उनका देख सकते हैं, हुकूमत पंजाब की तरफ से यहाँ पे ये मौजूद हैं। रेस्क्यू की टीम भी अपना फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम देने के लिए बैठी है। हम रात को भी यहाँ पर आए थे और अभी भी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो रेस्क्यू की टीम रात से यहाँ पे मौजूद है अपने मुकम्मल तौर पे फ्राई जो है वो सर अंजाम देने के लिए। ये जी अभी हम यहाँ पे खड़े हुए थे तो सड़क का ये जो पार्ट है, ये जो नज़र आ रहा है जहाँ पे मैंने उंगली, ये देखें जी आपके आंखों के बिल्कुल सामने ये गिर रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरे वाली जगह हो चुकी है, बिल्कुल गिर रहा है। और यहाँ पर हमारी रेस्क्यू की जो टीम है बिल्कुल अलर्ट खड़ी है, अपनी बोट को बिल्कुल सेट कर रही है, और अभी ये यहाँ पर जाएँगे आगे जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने के लिए। ये इधर से भी देख सकते हैं, अभी भी गिर रही है वो, अभी भी गिर रही है, अभी वहाँ पे वो चीर मुझे नजर आ रहा है, अभी भी वो गिर रही है। पूरी सड़क दिखाएं ज़ूम करके, ये देखें जी सड़क देख सकते हैं, ये देखें चीर, ये चीर है ये वाला, ये जो पार्ट है ना ये वाला, ये चीर है। पूरा नज़ारा करवाने के बाद मैं चाहता हूं कि यहां पे आपको कुछ लोगों से बातचीत करवाई जाए जो यहां के मुकामी थे, ताकि वो आपको बता सकें कि यहां पे किस तरह की पहले कंडीशन थी और अभी किस तरह का माहौल हो गया। तो मेरे एक दोस्त हैं यहां के रहने वाले हैं, तो मैं उनको जो है वो बुलाऊंगा, प्लीज़ सर आइए और हमें इस जगह के बारे में बताइएगा। ये बताइएगा कि दरिया पहले कहाँ तक था और अभी जो है वो कहाँ तक ये आ चुके हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, भाई जान आते थे कर दे हम जैसे भाई। अच्छा अच्छा, हाँ मेरे प्यो दादी थी सारी बोएँ की है। अच्छा, आते थे भाई कर दे हम जैसे। अच्छा, आज साड़ी वाही डूब गई है, अल्लाह बेड़ा गर्क करे ना इंडिया वालों का, तो पाकिस्तानी अवाम जी है वो तो जलील हुई पई है, हुकूमत बना दी पई सी डैम, तो कितने गया वो डैम। अवाम के तासरात जी आप देख सकते हैं, अवाम जो है वो कितनी परेशान है। असल में हकीकत बात है, मैं अगर दिल की बात करूँ मजाक से जो है वो,
अब्बास रह के, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। आप खुद ही देख सकते हैं कि भाई एक बंदे ने फसल उगाई, उसने पूरा साल मेहनत की है, अभी जब उसकी कटाई का वक्त आया था, जब वो 5-6 फुट पर मकई पहुँच चुकी थी, खात्मा हो गया हर चीज़ का, ख़त्म हो चुकी है। आवाम बहुत परेशान है, इनका चेहरा देख के आपको लग सकता है कि बेचारे जो है वो कितनी मुश्किलात में। थोड़ा सा आगे चलें जी, आगे जाके कुछ लोगों का आपको जो है उनसे बातचीत करवा के उनका विज़िट लाजमी करवाते हैं। और साथ में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा अभी बहुत ज़रूरी और जो लाजमी याद रखिएगा, किस जगह की वीडियो सबसे पहले वर्ल्ड टूरिस्ट ने आप तक पहुँचाई है, तो वर्ल्ड टूरिस्ट को लाजमी सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वो जो इस तरह के इलाके में रह रहे हैं वो महफूज हो जाएं, अपनी जान बचा सकें, पहले से कोई ना कोई सेफ्टी इकदाम कर सकें। तो आगे चल के आपको नज़ारा करवाते हैं, साथ में वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। आ जाएं जी, मोहब्बत और प्यार का संदेश पहुंचाने के लिए आप तक और सब कुछ दिखाने के लिए वर्ल्ड टूरिस्ट हमेशा आपके साथ रहा। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं पानी के अंदर, जहाँ तक पानी का जो लहराव है वो रात से यहाँ तक अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और एक और चीज़ आपको दिखाने लगे जो फेंक दी गई, अभी दिखाते हैं। मैं फिलहाल आपको एक मज़े की चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि हमारे साथ यहाँ पे 2-3 जवान मौजूद हैं। कहते हैं जी कि पाकिस्तानी जो आवाम है, पाकिस्तानी आवाम में मुजाहिद मौजूद हैं, पाकिस्तानी आर्मी तो क्या बात है, उनकी जिंदाबाद है, पाकिस्तानी मुजाहिद जो है वो भी किसी से कम नहीं। सैलाब आया हुआ है, सामने पानी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लेवल है, और ये भाईजान पानी में नहा रहे हैं। अभी हमारे सामने एक बार दोबारा से पानी के अंदर टुब्बी लगा के हमें दिखाएंगे कि किस तरह नहा रहे हैं। जी भाईजान बड़ा मेहरबानी, ये देखें जी बब्बर शेर पाकिस्तानी आवाम है, उन्होंने दरिया के अंदर छलांग लगा दिया, सैलाब का उनको कोई खतरा नहीं है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बराए कर मेरा साथ दीजिएगा, मैं सभी से कहना चाहूँगा, मैं पाकिस्तान का एक नारा लगाऊंगा, आप सबने जिंदाबाद कहना है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये देखें जी जिंदा दिल कौम यहाँ पे मौजूद है, सब नहा भी रहे हैं, पाकिस्तान का नारा भी लगा रहे हैं, लेकिन एहतियात बड़ी ज़रूरी है। मैं फिर से कहूँगा कि यहाँ के जो नशीबी इलाकों के रहने वाले लोग हैं वो एहतियात करें, और यहाँ पे आने से और अपना जो सामान वगैरह है उसको जल्दी से यहाँ से सिमटने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछना चाहेंगे, ये यहाँ के मुकामी लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। थोड़ा नाम की है? मियां खान। मियां खान, थोड़ा सा ऊंची बोला जाए। अच्छा तुसी इत्थों दे रिहायशी हो? हां जी, हां जी। अच्छा किस जगह ते थोड़ा घर है वगैरह? हां मैं अपना आबादी। अच्छा नाल आबादी। ए मैनूं जरा दस्सिया जे कि मैं बाकी भी लोगों को पुछदा फिरना, ए दरिया पहले किथे तक सी ते पानी हुण किथे तक पहुंच गया? असल दरिया किथे तक सी? ए दरिया जे 4 मील वापस। 4 मील तक वापस सी ते आज आया। अच्छा अच्छा, तो पानी हले होर भी वद्दा आ रहा है, पानी का तो स्पीड भी बड़ी ज्यादा है। हां जी जो की स्पीड। हां ते इथे वाई वगैरह भी लोग कर दसने जमीन सारा फसल देखो आपो खड़ा जी आ जड़ा पानी में सारा नजर सारी वाई ही टूट गई है। ये पहले पासे भी सारी वाई ओले पासे, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान है। अच्छा मैं दसया जड़ा पीछे मैं देखया सी पीछे भी कुछ घर नजर आए, क्योंकि मैं रात में भी आया था, तो ओ उना दे घर घर भी जड़े उथे जड़े लोग रहंदे ने ओ थू आ गए ने चले गए ने किधरे या फिर उठी नाले हाले उथे बैठे हाले उथे ही मौजूद ने। इस वक्त यहाँ पे कंडीशन जो है वो बड़ी खतरनाक हो चुकी है, लोगों को जिंदगी के लाले पड़ चुके हैं। आगे जो लोग रह रहे हैं उनका जो यहाँ पे मवेशी वगैरह थे, जो उनकी जमीन थी, मुकम्मल तौर पर वो खराब हो गई, मुकम्मल तौर पर वो तबाह हो चुकी है। उसके बाद उनके जो घर थे, उनके जो रिहायश गाह हैं, वहाँ पे भी रहना उनके लिए बड़ा मुहाल हो चुका है, उनको वहाँ से हिजरत करना पड़ेगी, अपना सामान अपना सब कुछ घर वगैरह छोड़ के। और जहाँ तक मैं इसको देख रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में पहली बार इतना मैंने सैलाब देखा है, मैंने और भी जगह पे देखा है लेकिन पहली बार इतना देखा है। जहाँ तक मेरा आइडिया है कि यहाँ पे ये जो पानी है इसको सूखने में भी कई साल लग जाएंगे, तो ये ज़मीन भी बंजर हो चुकी है, घर भी गए, सब कुछ गया। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हुकूमत पंजाब से कि वो इन लोगों के लिए कम से कम कुछ ना कुछ इकदाम करें, इनको रहने के लिए कुछ जगह फराहम करें, और इनकी जिस तरह से खेती बर्बाद हो चुकी है उस तरह से इनको खाने पीने के लिए और रोज़गार वगैरह वो मुहैया किया जाए, ताकि अपनी ज़िंदगी जो है सुकून से गुजार सके। एक तो महंगाई पहले बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और दूसरा ऊपर से ये जो है नागानी आफात आ चुकी हैं इंडिया की तरफ से, तो ये मज़ीद मसाइल है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने लोग हैं, ये सारे इन्हीं गांवों के रहने वाले हैं, यहीं के रिहायशी हैं, बेचारे बहुत ज़्यादा मुश्किलात में आ चुके हैं, और यहाँ पे ये बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि पानी आ रहा है और उनकी ज़िंदगियों को उनकी कमाइयों को जो है वो तबाह और बर्बाद करता जा रहा है। कैसा एक बच्चा मौजूद है, मैं ये देखना चाहता हूँ, ये देखें कितना प्यारा सा बच्चा है, ये भी बेचारा अपने घर से दूर हो चुका है, अपने घर से घर वालों से सामान से सब चीज़ों से, इसकी जो हुकूमत थी जो आगे जाके इसको मिलनी थी वो ज़मीन और चीज़ इससे छीन ली गई है, ये कसूर है इंडिया का। तो मोदी के लिए एक पैगाम है हमारी आवाम की तरफ से जी, मोदी के बारे में, इंडिया हुकूमत के बारे में आप सब क्या कहना चाहेंगे, एक ही राय में बताइएगा, हुकूमत के बारे में जो इंडिया की हुकूमत है जिन्होंने पानी छोड़ा उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आवाम की राय लेने के बाद यहाँ पे कंडीशन दिखाने के बाद आगे की तरफ चलेंगे। अभी हमारा रेस्क्यू की टीम से जो है वो बात हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि हम आपको दरिया का विजिट करवाते हैं, दरिया के अंदर लेके चलेंगे रेस्क्यू की बिल्कुल बोट के अंदर,
और पूरा आपको अंदर से नजारा करवाएंगे दरिया का, तो हमारे साथ रहिएगा। अगेन से यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर का बटन लाजमी दबाइएगा। आजम जी आगे चलते हैं। आए कितो जाए एक सिचुएशन, एक अलार्मिंग पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है जिसको आपको दिखाना चाहेंगे। जब दरिया का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, जिससे आप देख सकते हैं कि साइड से भी पानी आ रहा है यहाँ से, तो ये पानी आस्ते आस्ते बढ़ता जा रहा है, ये आगे आबादी की तरफ ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे एक बड़ा सा गड़ा बना दिया। इसको पंजाबी की ज़ुबान में हम बन कहते हैं। जब ये पानी यहाँ पर आएगा तो जितना ये खुला है ये काफ़ी हद तक पानी समा जाएगा। ये एक अलार्मिंग पॉइंट होता है रहने वाले गाँव के लिए, रहने वाली जो करीबी आबादी है। जब ये मुकम्मल तौर पर भर जाता है तब यहाँ के जो गाँव वाले हैं वो यहाँ से हिजरत कर जाएंगे, मुकम्मल तौर पर अपना सामान वगैरह हर चीज़ छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। तो इसकी मकसद सिर्फ यही है कि इसके भरने का इंतज़ार किया जाता है। अगर इसके भरने तक पानी पीछे से रुक जाए तो ठीक है, अदरवाइज दे विल मूव फ्रॉम नहर, यहाँ से वो चले जाएंगे और फिर इंतज़ार करेंगे जब तक यहाँ पे सिचुएशन ठीक ना हो जाए। जी नाज़रीन, तो यहाँ का इंतजाम करने के बाद, आपको सारा व्यू दिखाने के बाद, हर चीज़ करने के बाद हम यहाँ से जाने लगे हैं। PDMA प्रोविंशनल डामेर मैनेजमेंट अथॉरिटी का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा तावन किया यहाँ पे लोगों की रेस्क्यू करने के लिए, अभी भी मौजूद हैं, उनका बहुत ज़्यादा थैंक यू। और दुआ करें कि अल्लाह ताला इन लोगों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, यहाँ के जो इनके पास जानवर हैं, जो इनके हालात है, कंडीशन, अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए। और मैं दरख्वास्त करूँगा अगेन हुकूमत पंजाब से कि वो इन लोगों को कुछ ना कुछ सहूलियात फराम करें ताकि अपना रोज़गार दोबारा से चला सकें। तो इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं, बहुत जल्द हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।